आज हम बनाएंगे पीनट बटर केक। जिनको पीनट बटर का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो एक बार इस तरीके से बनाएंगे केक तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 टेबल स्पून पीनट बटर, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। जब ऑयल ऐड कर दे तो इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है 1/2 कप चीनी। यहाँ पर हमने चीनी पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किए हुए हैं, और इसके बाद यहाँ पर स्पून की मदद से मिक्स कर लेना है। ख्याल रखना कि यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 अंडा। अंडा डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे। अब यहाँ पर देखते ही काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करें मैदा, जो कि ले रही है 1.5 कप। इसके बाद यहाँ पर ऐड करना 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसके बाद ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। स्टार्टिंग में उतने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर ऐड करना 1/2 कप दूध। अब दूध ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड करना 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और इसके बाद यहाँ ले रहे कुछ ड्राई फ्रूट्स। 2 टेबल स्पून यहाँ पर किशमिश लिए हुए हैं, और 1 टेबल स्पून काजू, और इसके बाद यहाँ पर लिए हुए 2 खजूर और 2 टेबल स्पून बादाम लिए हुए हैं। अब इसके बाद सारे को ऐड कर देना है। आप अपने मनपसंद का कोई और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा, लेकिन आराम से करने में काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से बैटर तैयार हो चुका है। हमारा बैटर कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद यहाँ पर लिए हुए केक टिन, और केक टिन में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरे अच्छे तरीके से चारों साइड लगा लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑयल लगा चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ पर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयल लगाने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा, और मैदा ऐड करने के बाद पूरे अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला लेना है, और ख्याल रखना है कि कोई सा भी हिस्सा छूटा ना रहे, और साइड साइड में भी लगा लेना है कुछ इस तरीके से करके। अब यहाँ पर देखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर मैदा लग चुका है, और जो आखिरी में थोड़ा सा बचेगा उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमारा इतना सा बचा हुआ है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद अब केक टिन में बैटर को ऐड कर देना है। यहाँ पर हम सारे बैटर को ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद इसे टैप करना है, कम से कम 3 बार इसे कुछ इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं पतीला, और पतीला में ऐड कर दे रहे हैं स्टैंड। आप चाहे तो यहाँ पर सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अब ढक देना है, और फ्लेम को हाई कर देना है, और 5 मिनट तक हाई फ्लेम में ही रहने देना है। अब 5 मिनट के बाद अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे केक टिन को, और केक टिन ऐड करने के बाद इसके ऊपर कॉटन कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉटन कपड़ा रखने के बाद अब ढक देना है, और लो फ्लेम कर देना है, और 45 मिनट तक लो फ्लेम में ही रहने देना है। और 45 मिनट के बाद यहाँ पर हम देखते हैं हमारा केक कैसा तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा केक काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे कि केक पूरे अच्छे तरीके से तैयार हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर टूथपिक निकालने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो बिल्कुल ड्राई है, यानी हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। अगर आपका केक थोड़ा सा गीला हो तो 5 मिनट और लो फ्लेम में रहने दें। अब हम केक को पूरे अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे। अब ठंडा हो चुका है केक, तो साइड साइड में कुछ इस तरीके से कर लेना है नाइफ की मदद से, ताकि यहाँ पर हल्का भी चिपका हो तो आसानी तरीके से निकल सके। लेकिन यहाँ पर केक बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक प्लेट लेंगे, और यहाँ पर केक को देखते निकाल के कि कैसा हुआ है, चिपका है या नहीं। तो यहाँ पर देखते बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ, केक हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार है। अब इसके बाद यहाँ पर कट करके देख लेते हैं हमारा केक कैसा है। तो यहाँ पर कट करते हैं तो देखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है। जिनको पीनट बटर का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आप ज़रूर एक बार इस तरीके से ट्राई करें। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा। आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा बनाना पसंद करेंगे। तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें।